हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अतुल कुकिंग सीरीज में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि घर पर किस प्रकार से बिल्कुल ढाबे और रेस्टोरेंट की तरह ही तंदूरी चिकन बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो पर, हम आपको बताएंगे कि घर पर किस प्रकार से तंदूरी चिकन बनाया जाता है। दोस्तों तंदूरी चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 1 केजी चिकन लिया हुआ है। दोस्तों अब हम इस 1 केजी चिकन में इस प्रकार से छोटे छोटे से चिकन पर कट्स लगा लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ये कट्स तंदूरी चिकन के लिए इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इन चिकन को मसालों में मिक्स करें तो यह मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स होकर हमारे तंदूर होने के लिए रेडी हो जाए दोस्तों, और हमारा चिकन बहुत ही आसान तरीके से तंदूर हो जाएगा और अंदर तक हमारा चिकन तंदूर होकर पक कर रेडी होगा। दोस्तों इसीलिए हमारा महत्वपूर्ण रोल रहेगा चिकन पर कट्स लगाने का। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे। इस बड़े से बर्तन में इस 1 केजी कट लगे हुए चिकन को ऐड कर देंगे। दोस्तों ये हमने 1 केजी बड़े बर्तन में चिकन ऐड कर लिया है। अब इसमें एक छोटा चम्मच लाल मिर्च काश्मीरी पाउडर ऐड करेंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ आधा छोटा चम्मच तीखा मिर्च पाउडर ऐड करेंगे दोस्तों। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे दोस्तों, और आधा चम्मच यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे दोस्तों, और अब आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी हम ऐड करेंगे, और स्वादानुसार इसमें नमक ऐड करेंगे हम दोस्तों। और बस इसी ही पॉइंट पर आकर हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे दोस्तों, और अब इसमें हम टमाटर सॉस भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लगभग 2 से 3 टेबल स्पून दही इसमें ऐड करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 से 3 चम्मच हमने इसमें दही ऐड किया, और अब हम इसमें थोड़ा सा गिंगर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे दोस्तों, और इसी के साथ साथ ध्यान रहे दोस्तों इसमें आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर लीजिएगा। और यह सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसे एक अच्छी तरीके से हाथों से इसे मिक्स कर देंगे दोस्तों। और ये देखिए, हम मसालों को और चिकन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर रहे हैं, और बहुत ही लाजवाब तरीके से यहाँ पर आज हमारा तंदूरी चिकन बनकर रेडी होने वाला है दोस्तों। ये हमने सारे मसालों के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। तंदूरी चिकन बनाने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से हमारा चिकन रेडी हो गया है, और हम घर पर ही तंदूरी चिकन इन 2 चीज़ों के 2 बर्तन के हिसाब से हम आपको तंदूरी चिकन बनाकर दिखाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान और साधारण तरीके से। दोस्तों हमें इस प्रकार के 2 बर्तन की आवश्यकता होगी घर पर तंदूरी चिकन बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो रॉड लिए हुए हैं इस रॉड में 1 बाई 1 करके चिकन को इसमें लगा लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमने रॉड ली हुई थी उसमें 1 बाई 1 करके हमने चिकन को लगा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तंदूरी चिकन। बन सबसे पहले हमने यहाँ पर गैस ऑन कर ली है दोस्तों, और हमने दूसरा साइड का भी गैस ऑन कर लिया है, और हम आपको आज 2 तरीके से घर पर तंदूरी चिकन बनाकर बताएंगे दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है आप देखते जाइए। हमने सबसे पहले इस प्रकार से गैस पर जो रॉड पर चिकन लगाए हुए थे उन्हें इस प्रकार से तंदूर करना है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से चिकन तंदूर होना स्टार्ट हो गया है। और जो हमने जाली सरी का बर्तन लिया हुआ था दोस्तों, उसमें भी अब हम 1 बाई 1 करके चिकन रख देते हैं दोस्तों। आपको जो भी कंफर्ट लगे आप उस कंफर्टेबल के हिसाब से यहाँ पर चिकन को तंदूर कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर 2 प्रकार से चिकन तंदूर करना बता रहे हैं, और हम यहाँ पर दोस्तों अमूल बटर का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि
आप देख रहे हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, हमें चिकन पे बिल्कुल टाइम टू टाइम अमूल बटर का यूज़ करते जाना है, अदरवाइज हमारा चिकन किसी साइड से बहुत ज़्यादा जल भी सकता है दोस्तों, और फिर वह खाने में हमें कड़वा लगेगा। इसलिए दोस्तों, जैसे ही हमारा एक साइड से चिकन हल्का तंदूर हो, उसमें बटर लगाने की प्रक्रिया कंटिन्यू हमें करते रहना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार से हमें इनमें बटर हल्का हल्का लगाते जाना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर चिकन तंदूर कर रहे हैं, और कितने बढ़िया तरीके से हम बटर का यूज़ हम तंदूर चिकन पर कर रहे हैं दोस्तों। तो बस इसी प्रकार से आप भी इस रेसिपी को घर पर फॉलो करके घर पर तंदूरी चिकन बिल्कुल आसान और साधारण तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। बस ध्यान रहे, चिकन को एक साइड से हल्का पकाना है, फिर उसे दूसरे साइड से हल्का पकाना है, और जिस साइड से हल्का चिकन पक जाए उस साइड पर हल्का सा हमें अमूल बटर लगाते जाना है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया, कितने लाजवाब तरीके से हमारा चिकन लगभग तंदूर होकर रेडी हो चुका है। हाँ तो दोस्तों, ये चिकन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तंदूर हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे इसे रॉड से हटाकर किस प्रकार से हमारा तंदूरी चिकन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हुआ है दोस्तों। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से, कितने लाजवाब तरीके से यहाँ पर चिकन तंदूर हो चुका है दोस्तों। और जो हमने चिकन जालियों पर भी लिया हुआ था, वह भी देखिए कितने शानदार तरीके से, कितने लाजवाब तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तंदूरी चिकन घर पर ही हमने बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए दोस्तों इसी प्रकार से हमारे चैनल पर, और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।